अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। इस वक्त मैं मौजूद हूं अलनूर सुराब बोर्ड पे, जो कि GIDC का एक मेन मरकज़ है। और GIDC के यहाँ ये देखिए, ये चांद बेल आया हुआ है। और चांद बेल की ख़ास बात जो होती है वो इनकी जो ये सिंगे हैं इनकी वजह से होता है। और ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का बेल होता है। तो आपको इनकी वीडियो दिखाते हैं और दिखाते हैं कि इनके पास क्या कौन कौन से जानवर और किस टाइप के जानवर आए हुए हैं। अच्छा, ये आप चेक करें, ये एक भैंसा है। और ये देखें यार, ये इतना बड़ा है कि मैं, अगर आप रियल में देखने आएंगे ना तो ये बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। कम से कम ये होगा 30 मन का तो आराम से होगा। ये जानवर 30 मन का ये भैंसा आराम से होगा। ये देखें, बहुत ही ज़बरदस्त, बहुत ही पोलाइट जानवर ही है। ये देखें, ये बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का भैंसा। इसके बराबर में एक और है, ये मुझे लगता है ये ऑस्ट्रेलियन है, कोई ऑस्ट्रेलियन जानवर। ये भी बहुत ही बड़ा जानवर है और ये भी तकरीबन होगा 25-30 मन का तो होगा आराम से। और ये बहुत ही पोलाइट जानवर है। ये देखें, बहुत ही खामोश जानवर है, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के। और इसके बराबर में जो चार चांद लगाने वाला बैल, चांद बैल, जिसका नाम है चांद बैल, ये देखें, ये भी बहुत ही लंबा और लंबा चौड़ा बैल है। ये आपकी इनकी खूबसूरती चेक करें, लंबे चौड़े पैर और लंबी सिंगे और बहुत ही खूबसूरत टाइप है। ये देखें, मतलब इस पे खूबसूरती तो ख़त्म है। ये चांद बेल नहीं, ये पूरे जानवर में चांद चांद लगा देता है। और इसके बराबर में अगर आप देखेंगे तो ये भी एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का जानवर है। ये देखें, ये मैं आपको दिखाता चलूँ, बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के जानवर हैं इनके पास, जो कि GIDC के अलनूर असराब बोर्ड में मरकज़ हैं, ये वहाँ पर हैं। और ये वाइट कलर के ऊँट हैं और ये भी अच्छे खासे हैं, बड़े भी हैं, छोटे भी हैं। और उसके बराबर में भी वाइट ऊँट है और ये भी बड़े तगड़े तगड़े ऊँट हैं, लंबे चौड़े। ये देखें, और इससे आगे हम देखें तो इससे आगे भी ऊँट हैं और वाइट किस्म के। और इस ऊँट पे यार, इस ऊँट का तो ये देखें, इस ऊँट का तो यार, इसका तो ज़ख़म हो गया, इस ऊँट पे ज़ख़म हो गया। ये देखें, इसने शायद जो है ना कोई लड़ाई की या पता नहीं क्या। इसका मुझे लगता है ये जो मस्सा है, जो रस्सी होती है नाक की, मेरे ख्याल में उसकी वजह से ये हुआ है। ये देखें, ये रस्सी की वजह से हुआ है, ये रस्सी की वजह से हुआ है ये। और इसके बराबर में अगर आप देखें तो ये भी एक अलग ही नज़ारा है और ये भी बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का जानवर है। और इसके बराबर में हम आपको आगे लेके चलते हैं। ये देखें, ये इसके बराबर में ये और जानवर है। और ये देखें, ये अभी भैंसे बहुत ही खूबसूरत किस्म के, और खूबसूरत किस्म के, ये देखें, बहुत ज़बरदस्त किस्म के। और उसके बराबर में ये लंबा चौड़ा, तो कम से कम ये 30-35 किलो के हैं ये जानवर। और इसके बराबर में अगर हम देखें तो यार, ये तो मुझसे डबल है, डबल है, ये मुझसे 2 गुना बड़ा है। ये लंबा चौड़ा, ये देख, ये बहुत ही बड़ा है। ये कम से कम भी होगा मेरे हिसाब से 40-50 मन का तो होगा ये आराम से, 40-50 मन का। और ये जोड़ी है, इसके बराबर में एक और भी है बिल्कुल ऐसे ही, ये जोड़ी है। ये बहुत ही लंबे चौड़े जानवर है। अच्छा, इसमें इनको हाथ भी लगा दूँ, ये बहुत ही पोलाइट किस्म के जानवर है, बहुत ही खूबसूरत हैं। और ये थोड़े गुस्से हो गए, तो चलो इससे आगे, भलाई इसी में है कि इससे आगे चलते हैं। और ये देखें, ये भी बड़ा खूबसूरत और बहुत ही लंबा किस्म का जानवर है। और ये भी ऑस्ट्रेलियन लग रहा है मुझे, भैंसा टाइप का है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत। और इससे अगर हम आपको आगे लेके चलें तो ये छोटे छोटे जानवर, ये देखें, ये टेडी, टेडी शायद टेडी टाइप के ऐसे कुछ हैं, लेकिन टेडी तो नहीं है खैर, लेकिन ये भी है अच्छे खासे, लेकिन बनिस्बत इसके मुकाबले में छोटे हैं, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छे हैं, खूबसूरत हैं। और ये टेडी कहलाते हैं, ये टेडी कहलाते हैं। भाई जान, ज़रा आप बता देंगे ये कौन सी नस्ल है? टेडी नस्ल, मतलब कहाँ के हैं? पाकिस्तानी है, बाहर के? पाकिस्तानी, कौन से एरिया के? लाहौर के? अच्छा, ये लाहौर के टेडी हैं, ये लाहौर के टेडी हैं, ये भाई जान ने बताया। और ये देखें, ये लंबा चौड़ा यार, अगर आप आएंगे ना रियल में तो आपको पता चल जाना है कि किस किस्म के जानवर हैं। बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के, बड़े बड़े लंबे चौड़े जानवर, खूबसूरत जानवर यार। खूबसूरती तो इन पर ख़त्म है, मैं बोलूँ कि खूबसूरती इन पर ख़त्म है भाई।
ये देखें खूबसूरती इन पे ख़त्म। अच्छा, इनके बराबर में अगर हम आपको दिखाते चलें तो ये कुछ दुम्बे हैं, ठीक है, ये भी हैं यहाँ पर GIDC के मरकज़ में, बकरे भी हैं, ठीक है, और ये देखें ये भी दुम्बा है, ये देखें ये भी दुम्बा है, और साथ साथ सामने भी आपको मैं दिखाता चलूँ तो ये एक बड़ा लंबा चौड़ा, ये देखिए ये जानवर देखें यार, बहुत ही आला किस्म का जानवर है। भाई जान ज़रा बताएंगे ये कौन सी नस्ल का जानवर है, कौन सी नस्ल का ही? ये ऑस्ट्रेलियन जानवर है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन है ये भाई, ऑस्ट्रेलियन है ये कम से कम भी मेरे हिसाब से 40 मन तो कहीं नहीं गया, 40-45 मन तो कहीं नहीं गया, ये भी लंबा चौड़ा है, 40-45 मन कहीं नहीं गया। खूबसूरती सिर्फ देखें यार, मैं हाथ लगा के चेक करूं, हाँ पोलाइट है, और ये देखें यार ये भी लंबा चौड़ा है यार, लंबे चौड़े जानवर है सारे, एक से बढ़ के एक, मतलब कोई भी जानवर तारीफ से कम नहीं है, मतलब जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है। ये देखें इसकी खूबसूरती देखें, अगर आप रियल में आएंगे तो आपको बहुत ही ज़्यादा पता चलेगा, वीडियो में इतना पता नहीं चलेगा। और ये देखें ये बैठे हुए, ये अलग किस्म की इनकी खूबसूरती है, और यार सारे बड़े जानवर हैं, और अगर जो छोटे हैं वो सिर्फ खूबसूरत हैं, और जो बड़े हैं वो खूबसूरत भी हैं और लंबे चौड़े भी हैं, बहुत लंबे लंबे चौड़े हैं। और इससे अगर हम आपको आगे लेके चलें तो ये अलग ही भाई, शहनशाह, बादशाह, पता नहीं कौन कौन से नाम से लोग पुकार रहे हैं यहाँ पर इनको, कोई शहनशाह बोल रहा है, कोई बादशाह बोल रहा है। तो ये देखें ये हज़ारों की नहीं, ये लाखों की है, लाखों की गाय। ये देखें यार जानवर एक से बढ़ के, ये देखें एक से बढ़ के एक जानवर। उससे हम आपको आगे लेकर चले, ये देखें यार इसका, इसकी लंबाई देखें, इसकी कमर तो ऊपर की कमर तो है ही नहीं, इसकी लंबाई सिर्फ चेक करें, कम से कम भी इसकी लंबाई मुझे 10 फीट लग रही है, 10 फीट इसकी लंबाई लग रही है, और ऊंचाई 6 फीट होगी कम से कम, 6-7 फीट होगी, हाँ 7 फीट, 7 फीट की ऊंचाई होगी, और कम से कम भी ये 50 मन का तो होगा, हाँ इनको नहीं पता भाई, मैं अपना आइडिया दे रहा हूँ, कम से कम भी 40-50 मन का तो होगा ये जानवर, ठीक है। और इसके बराबर में अगर आप देखें तो ये अलग ही नज़ारा है इसका, ये अलग ही खूबसूरत है, मैं आपको क्लोज दिखाऊं तो ये देखें यार लंबे चौड़े जानवर है, बहुत लंबे चौड़े हैं, बहुत ही खूबसूरत किस्म के, ये भैंसा देखें, ये सारे मुझे लग रहे हैं ऑस्ट्रेलियन है ये, और बहुत ही खूबसूरत किस्म के जानवर हैं। ये देखें ये थोड़ा डरा हुआ बेचारा मुझसे, पता नहीं क्यों मुझसे नाराज़ लग रहा है ये, भाई मैं कुछ नहीं कर रहा आपको, हाँ रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स रिलैक्स, मैं कुछ नहीं कर रहा। इससे आगे अगर हम आपको लेके चलें तो ये देखें ये भी भाई, इसके तो बाल ही नहीं काटे, ये तो जंगली जंगली टाइप का लग रहा है, लेकिन है ये खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत है। असल में ये इसकी खूबसूरती होती है, ये जो बाल होते हैं ना ये इसकी खूबसूरती होती है, तो ये खूबसूरती की वजह से नहीं काटे होंगे। और ये भी भैंस टाइप का यार, इसका आँख चेक करें, ये भी ज़बरदस्त किस्म का। और ये देखें ये अलग है यार, एक से बढ़ के एक जानवर, ये भी लंबा चौड़ा, लंबा चौड़ा, ज़बरदस्त किस्म के जानवर है यार, एक से बढ़ के एक, मैं जितनी तारीफ करूँ उतनी कम है, जितनी तारीफ करूँ उतनी कम। ये देख, और इसके बराबर में एक टेडी भी खड़ा हुआ है यार, मैं आपको साथ साथ टेडी भी दिखाऊं, ये देखें खूबसूरत सा, इसके देखें ये देखें, और इसके बराबर में टेडी देखें, देखें कंपेरिजन करें, टेडी कितना छोटा है। तो टेडी से आए चलते हैं, टेडी से मिलते हैं, टेडी से ज़रा बात करते हैं। टेडी भाई हेलो, टेडी भाई लगता है हमसे नाराज़, हाँ ये रहा, आ गया टेडी भाई, कैसे हैं टेडी भाई यार, ये बड़ा पोलाइट जानवर है, बहुत खूबसूरत यार, बड़ों को तो हाथ नहीं लगा सकता, वो डर लग रहा है मुझे, ठीक है। तो ये टेडी को मैं हाथ लगा रहा हूँ, बहुत ही खूबसूरत जानवर है। और ये इसको मैं आपको दिखाऊं, ये तकरीबन है दो दांत का जानवर है। अच्छा, ये लाइन से सारे जानवर खड़े हुए, ये देखें, और ये सामने देखें, ये भी अलग अलग यार, एक से बढ़ के खूबसूरत जानवर। और ये वो देखें, वो वहाँ तक है, वो जो चांद बेले ना, वो रहा, ठीक है,
वो रहा चांद बैल, मैं आपको जूम करके दिखा दूँ, ये देखिए ये रहा चांद बैल, अलग अलग खूबसूरत है, एक से बढ़ के एक जानवर है भाई, एक से बढ़ के एक। तो ओके व्यूअर्स, वीडियो अगर अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। ओए ओए जानवर मुझे मार रहा है, ओए ओए मुझे दबा दिया।